सर्जन तुम्ही विश्वकर्ता, तुम्ही विश्व ज्योति में हे प्राण भरता, तुम्ही काल के काल हो चक्रधारी, स्वीकारो स्वयं बंधना अब हमारे। Thank you.
कहूँ, मैना कहूँ या तानसेन की बेटी कहूँ, मेरा नाम लता है। तभी तो मुस्कुराहट के फूल झड़ रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल काली नागन जैसी है तुम्हारी चोटी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखकर डर लगता है और इसे देखकर प्यार उमड़। बस बस रहने दो, बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कभी चोटी की तारीफ और कभी आवाज की तारीफ। ये तारीफ नहीं रानी, दिल की आवाज है। सच कहता हूँ लता, तुम्हारी आवाज मेरे लिए संगीत बन गई है। कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज। ओहो, ये है मीठी आवाज। ये आवाज नहीं, फरमान है फरमान। बादशाह को भी नंगे पैर दौड़ना पड़ता है इसे सुनकर। क्या हुक्म है हुजूर वाला? मेरी रानी को भूख लगी है। अब बंदा लाचार है हुजूर। अच्छा लो, तुम इसे रखो, मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बना देती हूँ। छच्ची बेटी, छच्ची बेची, हम दफ्तर से आए हैं, इजाजत हो तो कपड़े बदल लें, हैं? तुम जरा चुपचाप लेट जाओ पार्ले में। वाह वाह वाह। बस बस बस, फिर शुरू कर दिया। नो 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 अरे एक भी तो आंसू नहीं तेरी आंखों में, खामखा बना रही मुझे। चल अपनी माँ के पास। अरे तू क्या करूँ, तुम संभालो अपनी इस बला को। उठो तो मैं चाय बना लेता हूँ। बस इतने में ही तंग आ गए? अरे तुम उठो तो। क्यों शशि, अपनी बाबूजी के लिए चाय नहीं बनाने दोगे? अरे बाबूजी खुद चाय बना लेंगे। आहा, देखो शशि, तुम्हारे बाबूजी चाय बना रहे हैं। देखो 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 देखो। अरे चुप हो गई, मैं कौन से कांटे चुप हो रहा था तेरे? बच्चे को बहलाने के लिए औरत का दिल चाहिए। ओ, 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 चाय बनाने के लिए भी औरत के हाथ चाहिए। सच तो है, लो संभालो इसे, बड़े चले थे चाय बनाने। बकवास करते हैं ये कभी लोग जो कहते हैं औरत के हाथ फूल की तरह कोमल होते हैं। मैं तो कहता हूँ लोहे की तरह सख्त होते हैं। औरत फूल की तरह नाजुक भी होती है और लोहे की तरह सख्त भी। अच्छा चलो जल्दी जल्दी चाय पी लो, हमारी मुन्नी रानी का हुक्म है कि आज घूमने जाना होगा। अरे मुन्नी घूमने जाएगी? अरे मेरी मुन्नी तो घूमने जाएगी। अरे बाबूजी मेरी मुन्नी तो घूमने। अब हमारी शशि बंबई की सैर करेगी। क्या मतलब? बंबई तबादला हो गया है मेरा। सच? हाँ? कितना अच्छा हुआ, कितने दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बंबई देखूं। अब हमारी शशि बंबई की सैर करेगी, समंदर देखेगी, जहाज पर बैठेगी, चौपाटी की सैर करेगी। क्यों जी, ये चौपाटी क्या है बंबई में? लोगों की जेब को चौपट करने वाली जगह।
भेल पूरी वाला, पापड़ वाला, कुल्फी कुल्फी मलाई का बर्रिया, मूंगफली का होला, अरे खाने वाला भोला, अरे मजेदार होला, अरे बालू रेत की मूंगफली गर्मा गर्म खाओ, चंपी चंपी तेल वाली, तेल वाली, तेल वाली। देखी मैंने तुम्हारी चौपाटी। अरे हाँ, बंबई के चक्कर में ये बताना तो भूल ही गया। हा, ये क्या है? छछी बिटिया के लिए लॉकेट है, कैसा है? बहुत सुंदर है। ये भी सुंदर है, पहनने वाली भी सुंदर है, और इसके अंदर क्यों, कैसी रही? बहुत अच्छा किया ये। अरे अपने दिमाग की करामात है, ले बेटी पहनो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा। बुझ 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 बुझ। ओ शेखर, भूषण मालूम होता है। अबे अंदर आजा, मैं काम कर रहा हूँ। नमस्ते भाभी, ये देखिए काम हो रहा है। आई भाभी, नमस्ते। बैठो ना कामिनी। भूषण, तुम्हें खुशखबरी सुनाओ। क्या? अगले महीने की 20 तारीख को मैं भी बंबई जा रहा हूँ। क्यों? तबादला हो गया है ना इनका। हाँ, तो खूब गुजरेगी जो मिलवाई देंगे दीवाने दो। तो यूं कहो हमारी शशि बिटिया जो है बंबई आ रही है। हम तो शशि बिटिया को परसों अपने साथ ही ले जाएंगे बंबई। क्यों बेटी, चलोगी ना मेरे साथ? क्यों शशि बेटी, जाओगी ना अपने आंटी के साथ? जरूर जाएगी। अरे तू बैठ ना यार। नहीं भैया, अभी मुझे दूसरी जगह जाना है। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल मेरी सालगिरह है और तुम दोनों को आना पड़ेगा। और लता को गाना भी पड़ेगा। ना बाबा, तू मैं नहीं आऊंगी। आओगी कैसे? नहीं, घसीट के ले जाऊंगी। हाँ। घसीटने की जरूरत नहीं भाभी, हम तो सर के बल चले आएंगे। और अगर ये नहीं गाएगी तो हम गाएंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस। आओ जी। अच्छा लता, भूलना नहीं, शाम को 7 बजे। कहो तो सवेरे ही चले आना। नहीं नहीं, सुबह आने की जरूरत नहीं, शाम को 7 बजे। अच्छा अच्छा, भगा था क्यों? कितनी देर कर दी तुमने? 7 बजे कहा था ना भूषण ने। हाँ हाँ, याद है मुझे, वो ऑफिस में जरूरी काम हो गया था। अरे तुम तो तैयार हो जाओ। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं भी अभी तैयार होता हूँ। दुलारी आई बहूजी। क्या है बहू जी? अरे इतनी जल्दी सो गई शशि? सारा दिन खेलती जी रही है। मैंने कहा शशि तो सो गई है, अब तुम भी चले जाओ। कामिनी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें चलना ही चाहिए, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसा करो, शशि को यहीं रहना, तो दुलारी उसके पास रहेगी। हाँ बेबी जी, आप बेफिक्री से चले जाएं, मैं इसे संभाल लूंगी। अच्छा, तो तुम इसके पास ही रहना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, और हमारे आने के बाद ही घर जाना। बहुत अच्छा, चलिए। दुलारी, ए दुलारी। आई रामी। अरे जल्दी आना। अरे क्यों इतना शोर मचाती है, अंदर बच्चे सो रही है। क्या घर जाने का इरादा नहीं? अरे जाना तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद। क्यों? मालकिन दावत में गई है, बच्ची सो गई थी, मेरे पास छोड़ गई है। आना बे, इकट्ठे घर चलेंगे। तो चल, गली के बाहर पूजा हो रही है, थोड़ा प्रसाद तो ले। अरे ना भाई, तू जा, बच्ची अकेली है। अरे चल ना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे नहीं रामी। अरे चल ना, क्या नखरे करती है। अब आप लोग जरा खामोश रहिए, अब आप लोग जरा खामोश रहिए। हाँ, मैं शेखर से कहूंगा कि वो आप लोगों को एक गाना सुनाए। अबे जा यार, खाने के बाद कोई गाना गाता है? लीजिए, खाने के बाद कोई गाने नहीं गाता। अब आप लोग कहिए कि गाना गाए। नहीं भाई, मुझसे गाना वाना नहीं होगा। नहीं, अरे मगर भाई तो जा रहा है शेखर, तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा। हाँ, गाना आपको सुनाना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं भाई, मुझसे गाना वाना नहीं। अरे तो भागा कहाँ जा रहा, बैठना यार। अभी आप कहिए ना इनसे गाना गाए। भाई मैं तो नहीं कहूँगी, शशि को अकेले छोड़ के आए हैं, कहीं जा गई होगी तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, तो भाभी मैं कहता हूँ ये गाना गाए, फौरन चला जाए। बस क्या यार, तू पीछे पड़ जाता है, मुझे गाना आना नहीं आता है। अरे यार गाना कर, कोई तिकड़मबाजी। क्या तिकड़मबाजी कर, ले जो तेरा जी में आए वो कर, बस ले।
तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी मियां राजी बीवी राजी क्या करेगा काजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी ओडड़े ओडड़े ओ हरड़े 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 ओ हरड़े 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 ओडड़े ऐसे तो ये दुनिया बाबू आग हवा जल मट्टी है सीधे साधे भोंदू बनते खाते फिरते टाकर चलते पुरजे चटपट चाटे दूध मलाई शक्कर छुरी बगल में मुख में राम क्या कहने बाजी बाजी तिकड़म बाजी ओडड़े ओडड़े इसकी पगड़ी उसके सर पे दुनिया गोरख धंधा गुरु घंटाल सभी से कहते झपट के डालो फंदा नमक मिर्ची गरम मसाला कपड़े वाला जूते वाला सब में है गड़बड़ घोटाला दूध में पानी दवा में पानी सब में रगड़म रगड़ा कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पगड़ा हाँ पंजा छक्का सत्ता अट्ठा पैसे की है लठम लट्ठा पैसा बनाए भैया भाभी चाची और चाचा जी हो डड़े यू डड़े ओ डड़े आई यू डड़े जेब में जब कलदार हो बंगला मोटर कार हो चोर भी साहूकार हो दुनिया गुलजार हो अरे जेब में जब कलदार हो बंगला मोटर कार हो चोर भी साहूकार हो दुनिया गुलजार हो पैसो थारे पास होए तो रानी बोले आवो आवो हूँ तुम्हारी तमे हमारा शामा टे शर्माओ एक आंख से बोले ना जी एक आंख से हाँ जी तिकड़म बाजी ओ मियां राजी बीबी राजी क्या करेगा काजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी हटाओ चरणों में सुख से मर रही हूं लेकिन मुझे इसकी चिंता है मैं शादी नहीं करूंगा लता तुम शादी जरूर कर लेना
नहीं पा, मेरी बच्ची से कैसा सलूक करेगी? लता, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी बच्ची का ख्याल जरूर। मेरी सारी खुशी चली गई, सब सुख लूट गया मेरा। रो मत मेरे बच्चे, रो मत, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, सबर कर। कैसे सबर करूं माँ जी, मुसीबतों का पहाड़ जो टूट पड़ा मुझ पर, अब नौकरी करूंगा या इसे संभालूंगा? तू इसकी फिक्र न कर बेटा, मैं इसे गाँव अपने साथ ले जाऊंगी। तू अपनी नौकरी संभाल, मकान मिलने पर हमें लिख देना, बंबई जाना होगा। हाँ माँ जी, कितनी खुश हो रही थी बंबई देखने के लिए। भगवान का घर जो देखना था उसे, फिर बंबई कैसे जाती? जो भगवान की मर्जी, कब जाना होगा? 20 तारीख को। अच्छा, नाव मंडी को मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी बेटा इसे। ये हमारी लता की आखिरी निशानी है। इस बेचारी की किस्मत में मां का सुख नहीं था। शेखर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया, इसके लिए बहुत फिक्र करता था, और फिर ऊपर से नौकरी का सवाल, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कहता था कि भूषण के यहाँ ठहरूंगा, मकान मिलने पर हमें खबर कर देगा। भगवान उसे ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मेरी बच्ची, मेरी बिटिया। अरे देख क्या रही है, खाती ही नहीं बेटा, खाना। मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। अच्छा बाबा, मेरे हाथ से खा, और जिस दिन अगर कभी ना हुई तो फिर भूखी रहना। अच्छा, मैंना किसे खत लिख रहे हो? तुम्हारे पिताजी को। क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूँ कि शशि अब बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए जल्दी से उसे अपने पास बुला लो। मेरे पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते? आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे, इसीलिए तो खत लिख रहा हूँ। अच्छा, अब तुम हिलना नहीं, हाँ, मुझे लिखने दो। अरे भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है, किसका खत है जरा हम भी तो सुने। आया भाई आया। कब आई? खैरियत तो है ना? अरे भाई, शशि की नानी का खत आया है। लिखती है शशि बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई का इंतजाम गांव में नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ शशि को यहीं बुलवा लूं। फिर सोचने की क्या बात है, फौरन बुलवा लो। अब तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकूंगा। 4 साल हो गए शशि को देखे, ये बंबई शहरी कुछ अजीब है, जो भी यहाँ आया यहीं का हो रहा। भाई अब तो कहीं मकान दिलवा ही दो। फिर वही बात, यहाँ कोई तकलीफ है तुझे? अरे तकलीफ की बात नहीं, शशि को और उसके नाना नानी को यहीं बुलाने का विचार है। तो बुला लो उनको, मकान की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं भाभी, जब अकेला था तब अलग बात थी, लेकिन अब सबका यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। बंबई में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मकान का मिलना मुश्किल। अरे हाँ, राधा किशन महल में एक ब्लॉक है, लेकिन यार वो आदमी बड़ा सनकी मालूम होता है, फिर भी चल के कोशिश करते हैं। राधा किशन महल कंवारे और रंडवे के लिए जगह नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, इसने तो साफ लिख रखा है, फिर क्या फायदा बात करने का, चल। अरे तू ठहरना यार, मैं सब बात कर लूंगा, तू क्या घबराता, चल अंदर चल। तू पहले चल। कौन है जी? राधा किशन जी। भाभी कोई आए हैं? कौन आए हैं? कौन हो
बेटे तुम? मेरा नाम है भूषण। भूषण? और इनका? जी इनका शेखर। भूषण और शेखर? कौन शेखर, कौन भूषण? कहाँ से आए हैं? जी यहीं से आए हैं। राधा किशन जी है? नहीं भैया तो नहीं है, मैं हूँ, भाभी है। चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्या काम है? जी हमें राधा किशन जी से कुछ काम है। तो उन्हीं से पूछ लेना कहाँ गए हैं। चल यशोधरा। ये मकान क्या है, पागल खाना है ये तो। अरे मैं कहता हूँ बंबई में तो पागल खाने में भी जगह नहीं मिलती, जैसा भी मिले ले लो, बाद में देखेंगे उसमें। नहीं, 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 काम चला। अरे तुम बात तो कर रहे हो, बस जा ही रहे हैं। कहाँ जाते हो? बैठ जाओ कुर्सी पर। अरे जानना पहचान बड़ी खला सलाम, बड़ी आगे कुर्सी लेके हैं। बढ़िया है, अच्छी बात है, तुम नहीं था रुका। खैरियत चाहते तो भागो यहां से। मैं कह रहा हूं बात तो कर लेने दो। अरे घबराता काहे को है, उसमें क्या है? नहीं एक मिनट तो ला, बैठ जाओ इधर पे। हां वो मेरी भाभी है ना, वो जरा पागल है। जी हाँ। चौदह आने से रद्दी बिक रही है, ना जाने किस पागल ने फेंक दिया इतना बड़ा कागज। अरे वो आ गए भैया। भैया भैया क्या है? भैया वो आए हैं। वो कौन? वो कौन? शेखर भूषण। ए साहब जरा यहाँ आइए। नमस्ते। नमस्ते। पढ़ना आता है? आता है। तो फिर पढ़ो, क्या लिखा है? आते जाते दरवाजा बंद करो। फिर क्यों नहीं किया बंद दरवाजा? जी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। समझदार आदमी भूल नहीं करते। बोलो क्या काम है? जी इन साहब को मकान की जरूरत है। शादीशुदा? जी शादी जी होने वाली है। शादी नहीं हुई? तू चुप रह। ये बोर्ड नहीं पढ़ा, रंडुए और कुंवारे के लिए इस मकान में जगह नहीं है। लेकिन इनकी शादी तो 3 महीने बाद हो ही रही है। तो फिर 3 महीने बाद ही मकान ले लेना। लेकिन 3 महीने का किराया तो ले लीजिए पेशगी। है 3 महीने का किराया पेशगी? अगर आप कहें तो हम साल भर का देते। आदमी समझदार मालूम होते हो, साल भर का किराया दे दो और चाहो तो कल ही मकान में आ जाओ। पर हाँ 3 महीने के बाद औरत घर में आ जानी चाहिए। भगवान ने चाहा तो इससे पहले आ जाएगी। तो फिर और भी अच्छा है। मेरे कुछ रूल यानी कायदे हैं। हमें सब मंजूर है? बगैर सुने ही मंजूर है। नोट कर लो। नोट कर लो। किराया 40 रुपए, 10 बजे बत्ती बंद, नल पर कपड़े धोना मना, सफाई का ख्याल, कोयले का इस्तेमाल। पर भैया तुम क्यों लकड़ी जलाते हो? मैं मकान मालिक हूँ, चाहे लकड़ी जलाऊं चाहे घर में आग लगाऊं। किराएदारों के सामने चपड़ चपड़ मत कर, या अंदर जा। पर अभी तो आए थे अंदर। तो बाहर जा। ना बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ साहब तो फिर मंजूर है? मंजूर है जी। आइए तो फिर मकान देख लीजिए, आइए। आइए तशरीफ लाइए, ये है मकान, ये बैठने का कमरा, इधर आइए, ये है रसोई घर, अंगीठी आप अपनी ले आइए, इधर आइए, ये है सोने का कमरा, देखिए देखिए। ओह ये आवाज जी। पास में पहाड़ उड़ाते हैं, दिन में 2 बार, दोपहर के खाने के बाद और शाम के खाने से पहले। हाँ कोई बात नहीं, हाजमे के लिए अच्छी जगह। आदत पड़ जाती है जी। वो पेश की दीजिए ना। ओ ये दे रहा हूँ, 200 रुपए हैं लीजिए। ओ पैसे? ओ माया यार अपना काम तो हो गया। ओ माया ये मेरी धर्म पत्नी माया और ये हमारे नए किराएदार बड़े भले आदमी। मालूम है? मालूम है। अरे हाँ अभी अभी तो आए थे। ओ, लो ये रुपए संभाल कर रख दो। यशोधरा ये रत्ती रत्ती घर में रख दीजो और ये ईंधन ईंधन घर में। शर्म नहीं आती? जो भी रास्ते में पड़ा मिलता है उठा लाते हो, घर को कूड़ा घर बना रखा है। यशोधरा फेंक देंगे बाहर। इसी कूड़े की बदौलत तो मकान बना लिया है। अरे तू अभी तक खड़ी है, जा रख दे इसे, जा। जाती हूँ। हाँ साहब
तो कब आएंगे आप? जी बस ये दो चार दिन में आ जाएंगे। बस आई जाइएगा, नहीं तो फिर मैं किसी और को दे दूंगा। जी, आ जाइएगा, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं। आज नहीं तेरे मन की आवाज थी, खामखा वहम हो गया तुझे। वहम नहीं भूषण, मैं उस वक्त जाग रहा था, किताब पढ़ रहा था, बिल्कुल वही आवाज, वही दर्द, वही गीत। मेरा ख्याल है उस बेचारी की रूह भटक रही है। भूषण, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार तो उसके साथ चला गया, ये तेरा प्यार है जो उसकी आवाज बनकर तुझे सुनाई देता है। चार साल हो गए बेचारी को मरे हुए, अब कहां वो आवाज, कहां वो गीत, कुछ समझ में नहीं आता। इसमें समझने की क्या बात है, अपने दिल से वहम निकाल दे और घर जाकर आराम कर। जा। अरे छोड़ना, जाने भी दे। लेकिन कहां जाएगी? माफ कीजिए राधा किशन जी, मैंने आपको देखा नहीं। क्या नहीं देखा? मेरे साथ 420 राधा किशन के संग 420 दिखाओ। कहाँ है तुम्हारी बीबी? कहते थे कि 3 महीने में शादी कर लूंगा। जी इसी इंतजाम में लगा हूँ। किस इंतजाम में? किसी की बहू बेटी को भगाने के? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी शराफत पर भरोसा रखिए। तुम्हारी शराफत से मुझे अपनी बदमाशी पे ज्यादा भरोसा है। 3 दिन में मकान खाली हो जाए वरना मैं सामान के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। बड़े बड़े गुंडों के छक्के छुड़ा दिए मैंने, तुम तो हो किस खेप की बुली। क्या समझता है ये अपने आप को? बगैर फौजदारी किए ये निकलेगा नहीं। पर मैं भी बेटा को इस मकान में क्या, बंबई में रहना भुला दूंगा। ओहो क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रहे हो? बड़बड़ाऊंगा नहीं, बेईमान ने झूठ बोलकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। कहता था 3 महीने में शादी हो जाएगी। कौन बेवकूफ देगा इस बदमाश को अपनी लड़की? भैया सचमुच बहुत बदमाश है, आंखें फाड़ कर देखता मेरी तरफ यूं है। इसीलिए कुआरे और रंडुए को मकान नहीं देता था। कोई बात नहीं, 3 दिन की मोहलत देकर आया था, पर अब तो ऐसे जलील आदमी को 3 मिनट नहीं ठहरने दूंगा। अरे सुनो तो। ओहो, जब भी किसी से लड़ने जाता हूँ पीछे से टोक देती है, फूट मुँह से। क्या कहना है? तुम तो पागल हुए हो। क्यों? यशोधरा के लिए लड़का तलाश करते फिरते हो,
क्यों नहीं कर लेते इसी से बात? लड़का जवान है, सुंदर है, कुंवारा है, और जब इसकी तरफ देखता है तो समझ लो उसे ये पसंद है। तू भी सो सो कर जागती है, ये बात मुझे समझाई भी तो कब, जब मैं उससे झगड़ा कर आया। ओहो, तो क्या हुआ, मना लो। झगड़ा करके खुशामत करना तुम्हें खूब आता है। तुम्हारी खुशामत करना खूब आता है या सबकी? हरिओम। खैर, कोशिश करता हूँ, अगर शेखर मान गया तो चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगा। भैया 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 सुनो, भैया सुनो, जब मेरा ब्याह होगा ना तो हम दोनों की फोटो इसी अखबार में छपवाना, सारी दुनिया देखेगी। अरे कभी तो अकल की बात किया कर, अगर शेखर को पता चल गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अब तो इस पागल की फरियाद सुन ले, कब तक बैठाए रखेगा इसे। अच्छा, मैं अभी शेखर से बात करके आता। ओहो, जरा ख्याल नहीं कौन किस काम जा रहा है, झट छींक दिया। जाए गिलास पानी ला। शाबाश शाबाश, रहने दे पानी, दो हो गई छींके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, बैठिए बैठिए, अब मैं होश में हूँ। मैं खामा खा तुमसे झगड़ा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे और काम के आदमी हो। जी नहीं, गलती मेरी, दूसरा मकान मिलते ही चला जाऊंगा। मैं जाने दूंगा तब ना, पाव में मोहब्बत की बेड़ियां डाल दूंगा। यही तो समझाने आया हूँ बरकरदार। बात यह है कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कंधे पे लड़का और बाबा जा। अच्छा, 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 अच्छा। बरकरदार कुछ पागल सा मालूम होता है। कौन हो तुम? माफ कीजिएगा, भूल हो गई। शेखर बाबू, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? माफ कीजिए, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। हाँ जरूर आराम करो, लाओ सर दबा दूँ। नहीं नहीं, मेहरबानी। इसमें मेहरबानी का है कि अगर अपने अपनों के काम ना आएंगे तो क्या किराए के आदमी काम आएंगे? मैंने आपसे अर्ज किया ना, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भाई ये अकेलापन मुझे बहुत खटकता है, मैं तो मरना भी दो चार के साथ ही पसंद करता हूँ। क्यों, बीवी होती तो आती ना काम इस वक्त। खैर, कल से मैं यशोधरा को भेज दूंगा कामकाज के लिए, अभी तो मैं ही तुम्हारा सर दबा देता हूँ। ओहो, अब आपको कैसे समझाऊं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ूं तुम्हारे दुश्मनों को? पर इस वक्त तुम्हारी यही मर्जी है तो चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा किसी चीज की जरूरत हो। जरूरत हो तो कह दूंगा आपको। नमस्ते। शर्माया नहीं। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे ये क्या, 100 बार कहा जब जरूरत ना हो बिजली मत जलाओ मत जलाओ, पर कोई सुने तो? इन्हें बटन नीचे तो करना आता पर ऊपर करते दम निकलता। ये दिवाली मनाई जा रही है मेरा दिवाला निकालने को। अरे रे रे, ये क्या भूतों का घर है जो अंधेरे में बैठे? ये गली की रोशनी क्या कम है, इसीलिए तो कमेटी के मेंबर से कह के सामने खंभा लगवाया। आग लगी, कौड़ी कौड़ी पर जान देते हो, जैसे सब कुछ छाती पर रख के ले जाओगे। जो कमाता है वही जानता है, छाती पे रख के तो नहीं ले जाऊंगा, पर तुम्हारा पेट पालने को तो सब कुछ चाहिए ना। अब चुप भी करोगे या बस बस चुप भी रहो भाभी? भैया बात सब पक्की हो गई? कच्ची पक्की क्या बात, बीच में ही रह गई। खैर वो तो हो जाएगा, ये शेखर मुझे कुछ पागल सा नजर आता है। तो तुम्हारी बहन कौन सी अच्छी है, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। भाभी जरा जबान बंद कर, कौन अंधा कौन कोड़ी? अंधा कोड़ी तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा सारा खानदान। आग लगे, मेरे खानदान तक पहुंचती है, चोटी खींच कर बाहर निकाल। अरे बाबा, अरे तो हटो जी, बढ़िया चोटी खींच के बाहर निकाल, आली जरा हाथ लगा के तो देख। हाय हाय, किसी के खा ही जाएगी। अरे
ओहो मोहल्ले वालों को तो सोने दो, चल तू जा। तुम भी क्या बच्चे के संग बच्चा बनती हो, जाओ दरवाजा बंद कर लो कहीं फिर ना आ जाए। भैया तुम कल सुबह ही मेरी शादी कर देना, मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ हाँ कर देना। हाँ हाँ बाबा सुबह तो होने दे। कर दोगे ना? हाँ हाँ अब तो तू जा। तुम्हें भी आराम के वक्त ही झगड़ा करने की सूझती है। झगड़ा मैं करती हूँ तुम्हारी बहन। ओहो नाराज हो गई, कोई गाना तो सुना। तुम्हें भी ये सुई यही रखने की सूझती है। बिल्कुल पागल मालूम होता था। पागल नहीं, तेरी आवाज का दीवाना होगा, तेरे रूप का परवाना होगा। हट, कैसी बातें करती हो। मैं सच कहती हूँ, मैं कल रात को इतनी घबरा गई थी कि नींद तक नहीं आई, और वो बेचारा न जाने कितनी रातें जाग कर काटेगा। क्यों, तेरी सूरत बस गई होगी ना उसके मन में। तू तो हर बात को मजाक समझती है, मेरी जगह तू होती तो पता चलता। अरे कल रात को यही यूं आके रास्ता रोक लिया मेरा, मेरा दिल तो धक से रह गया। सुनो तो जरा क्या कहती है तेरे दिल की धड़कन। चल हट। शेखर बाबू तुम तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े बादाम, इतने बड़े बड़े पिस्ते, इतनी बड़ी बड़ी किशमिश डाली है इसमें, खा लो ना। मैं तो कब का नाश्ता कर चुका। तो क्या हुआ, थोड़ा सा और खा लो ना। भैया ने मुझसे कहा यशोधरा जाकर शेखर बाबू को खीर दिया, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई, खाना गरम गरम खा। एक काम करो वहाँ टेबल पर रख दो, फिर खा लूंगा। ठंडी हो जाएगी, लो खाओ। कैसी है? बहुत अच्छी है। एक काम करो हा? मैं बाद में खा लूंगा, तुम जाओ खा लेना। क्या हुआ? ये खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। नमक क्या कर रहे हो? चक्के देखो। भैया शेखर को खीर दे आई। अरे उसने खाई तो नहीं? खाई भैया, मेरी आंखों के सामने खाई। फूटे करम, तब तो सब चौपट कर आई। क्या बात है भैया, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो? अरे सब ठीक है, सब ठीक है। बस बस बस, अब तो शेखर इससे जरूर शादी कर लेगा। क्या कहा, शादी? शादी तो उसके फरिश्ते भी करेंगे, नहीं घर से बाहर नहीं निकाल दूंगा। ओहो, ओछे के घर तीतर, बाहर रखूं या भीतर, जब देखो मकान की धौस देते हो। अरे इसी धौस में आकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी मेरे साथ। मकान मालिक हूँ तो धौस देता हूँ, तुम क्या जानो कंगाल घर की लड़की। तो फिर क्यों आए थे कंगाल के घर से? अभी रहने भी दो, तुम्हें तो जब देखो झगड़ती रहती हो। भैया एक बात बताओ, शेखर बाबू कब आएंगे सेहरा बांध कर मेरे अमीर भाई के घर? चुप चुप, लड़की होकर ऐसी बात करती है, चुप। क्यों, क्या बुरी बात है? भैया देखो मेरी शादी शेखर बाबू से ही करना है, किसी दूसरे से नहीं है। वही तो कर रहा था, ये खीर खिलाने क्यों ले गई थी शेखर बाबू को? क्यों, क्या बुराई है खीर में? चक्कर दे। चुप कर, शेखर से ही कर दूंगा तेरी शादी। चुप कर जा। अरे उसी से कर दूंगा शादी, रोती क्यों? भूषण, इस लड़की की आवाज ने मेरे सीने में दबी हुई लता की याद को भड़का दिया। बिल्कुल वही आवाज, वही हरकतें। यार तू एक काम करना, पहले उसका पता निकाल, फिर उससे जान पहचान पैदा कर, हो सके तो शादी कर ले। नहीं भूषण, मैं लता के प्रेम के लिए, शशि के सुख के लिए किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। तो तुम्हें उस लड़की का रास्ता देखने की क्या जरूरत, उसकी आवाज सुनने से क्या मतलब? मैं उसका रास्ता नहीं देखता, वो मेरे मकान के पास से गुजरती है, उसकी आवाज में मुझे। हाँ वो तो मैं पहले सुन चुका हूँ, तू एक काम कर, उसकी आवाज का रिकॉर्ड बनवा ले और जब जी चाहे ग्रामोफोन पर सुन लिया कर। तू तो मजाक करता है यार। और तू बकवास करता है, जब तुझको उस लड़की में लता नजर आती है तो तू उससे शादी कर ले, किस्सा खत्म हुआ। तू मेरी हालत को नहीं समझ सकता। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, उस लड़की के आने का वक्त हो रहा होगा। क्या हो रहा है शेखर बाबू? कुछ नहीं, नौकर जरा बीमार है इसलिए पानी गर्म करने का इरादा कर रहा हूँ। अजी शादी करने का इरादा करो, जवानी हमेशा नहीं रहती।
पानी गर्म करना, चाय बनाना, नौकर के हाथ का खाना खाना, ये भी कोई जिंदगी है। अरे ये सिगरेट के पैकेट साथ लिया? खाली है, यशोदा इनके बहुत अच्छे खिलौने बनाती है, विलायत में बड़ी मांग है ऐसे खिलौनों की। विलायत में? आप सच मानिए शेखर बाबू, यशोदा बड़ी कारीगर लड़की है, आपने देखा नहीं कभी? अच्छा हो, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ तशरीफ लाइए। आओ सर। आइए आइए। ओहो उषा देवी नमस्ते। आज कैसे रास्ता भूल गई भाई, नए लोगों में माया ममता ही नहीं रही। माँ जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। बैठिए ना। जी नहीं, हमें जरा जल्दी जाना है। आज शेखर बाबू के यहाँ कैसे आना हुआ? हम लोग कॉलेज की बिल्डिंग के लिए एक नाटक खेल रहे हैं। वाह उषा देवी, मैं तुम्हारा नाटक जरूर देखूंगा, पास दोगी ना? पास क्यों, टिकट खरीदने होंगे, धर्म का काम है। बताइए कौन से दो, 5 के या 10 के? नहीं उषा देवी, रुपए मेरे पैदा किए हुए बेटे हैं, धर्म के लिए मैं बेटों को कुर्बान नहीं कर सकता। बात जरा बढ़ रही है, फिर आऊंगा। अच्छा नमस्ते, इन्हें दो 25-25 रुपए के टिकट दो। हाँ हाँ आप तो लीजिएगा ना। अच्छा लाइए, 3 टिकट 10 रुपए वाले दे दीजिए। लीजिए। नाटक में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा नाचती गाती हैं। अच्छा तब तो जरूर आऊंगा। शुक्रिया। भागे क्यों जा रही है? यही आदमी था उस दिन, तभी इतनी तिरछी नजर से देख रहा था तेरी तरफ। लेकिन उषा आदमी शरीफ मालूम होता है, अगर शरीफ होता तो मेरा पीछा क्यों करता? तो तेरा क्या मतलब, कोई बदमाश ही तेरा पीछा कर सकता है? मुझे बदमाश है शरीफ से क्या मतलब, उसे तो मतलब है, देखा नहीं किस अंदाज से कहा, मैं जरूर आऊंगा, देख लेना वो जरूर आएगा तुम्हारा डांस देखने। चलो हटो, बातें मत करो। ये समा भयानक डरेगा मेरा जी, डरेगा मेरा जी।
बीए एमए पीएससी बीटी बीकॉम बीएससी डिग्री लेकर बैठे हैं सब करेंगे क्या अब सोचो जी बोलो जी का नाच मुझे बेहद पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायद यही पड़ोस में रहती हैं? हाँ, यही सामने गली के मोड़ पर। अच्छा, अगर आप जल्दी में ना हो तो एक प्याला चाय पीते जाइए। जी नहीं, फिर कभी है, फिर कभी क्या, इन्होंने इतनी भावना से कहा है, हमें इनकी बात रखनी ही चाहिए। हाँ, आइए ना। आइए, आपका नाच और गाना वाकई बहुत अच्छा था। एंटरटेनमेंट के अलावा उसमें सीखने को भी बहुत कुछ था। शुक्रिया। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, मैं भी आता हूँ। आदमी कदरदान मालूम होता है। हट, समझदार भी है। चुप रहेगी या नहीं? खूबसूरत है। अरे पागल तो नहीं होगी? नौजवान भी है। लीजिए। आप हम खा तकल्लुफ कर रहे हैं। तकल्लुफ का है का? ये तो घराए कलाकार का स्वागत है। अरे, अरे, अरे। बड़ा वजन है आपका, ये रैकेट जो टेढ़ा हो गया। आप भी खाइए ना। हाँ हाँ। आप अकेले ही रहते हैं? जी अकेला हूँ, इसलिए अकेला ही रहता हूँ। आप खाइए ना। जी मैं खा रही हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछिए। आप उस रात मेरा पीछा क्यों कर रहे थे?
उसी हरकत की माफी मांगने के लिए मैंने आपको बुलाया है। बुरा न मानिए, मैंने तो उस दिन आपको पागल समझा था। ठीक ही समझा आपने, एक पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है। अच्छा तो फिर आगे दीजिए। चाय नहीं पीजिएगा? कोई बात नहीं, फिर कभी पीने आएंगे। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। चला बताना चाहते, तू क्यों हट कर रही है? मुगालता हो गए होगा। मुगालता तो नहीं, खैर छोड़िए इन बातों को। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ये पलड़ा खरीदने का है, ये बेचने का, कोई ग्राहक आए तो ध्यान रखना। कितनी रद्दी हुई? ये 5वां शेर है। तब तो ठीक है, 6 शेर के दाम दिए थे, बाकी 5 शेर ये भी होगी। भैया हाँ, शेखर के पास उषा बैठी है। है? उषा बैठी है? सुना तुमने, इसीलिए क्वारे और रंडुए को मकान नहीं देता था, बाहर निकाल दूंगा बदमाश को। उससे बाहर निकाल दोगे तो इससे शादी कौन करेगा? वही करेगा, वरना बम्बई में रहना मुश्किल हो जाएगा बदमाश का। भैया ये उषा शेखर के पास बार बार क्यों आती है? ये सब तेरी गलती है, जब तुम्हें शेखर से शादी करनी है तो फिर क्यों नहीं रखती उसका ध्यान? अपनी भाभी से पूछ, जब मुझे इससे शादी करनी थी तो इसके घर के सामने बिस्तर बिछा दिया था। तभी तो मुझे तरस आ गया था। अरे जा, बढ़िया ही तरस पाली, तू फिक्र मत कर, मैं उषा का इंतजाम किए देता हूँ। भैया जल्दी करो ना। हाँ हाँ कहा ना, कितने शेर हुए? 5 शेर। हाँ ले, ये 6 शेर। अच्छा हूँ माजी। अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। नहीं माजी, मैं तो हमेशा इन्हीं कदमों में बैठता आया हूँ। किसी तरह एक छोटा सा बंगला बनवा लिया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोगों की बराबरी करूँ। नहीं भाई, तुम तो हमारे मेहमान हो, ऊपर बैठो। कैसे आना हुआ? माँ जी 10 साल लाला जी का नमक खाया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक जरूरी बात कहने चला आया हूँ। कहो। माँ जी कसम खाकर कहता हूँ, आज तक किसी की चुगली नहीं की। एक गुंडा मेरे घर में आ बसा है। तो फिर निकाल क्यों नहीं देते उसे? क्या जी, आप तो आजकल के कायदे कानून जानते ही हैं। बदमाश ने मुझे कुछ रकम पेश की दे दी, ऊपर से हर महीने किराया नकद दे देता है। मैंने कई बार झगड़ा करने की कोशिश भी की, पर जब देखो तब टाल जाता है। कमाल है राधा किशन जी, उसने तुम्हें रकम पेश की दी, किराया नकद देता है, झगड़ा टाल जाता है, फिर वो किस हिसाब से गुंडा हुआ? हाँ, इस किस्म के लोग जरा ऊंचे दर्जे के गुंडे होते हैं। क्वारा है, जवान है, आस पड़ोस में लड़कियां बालियां रहती हैं। माफ करिएगा माँ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैंने एक दो बार उषा देवी को भी उसके घर देखा है। बस यही अर्ज करने चला आया हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। वो जो काम करेगी सोच समझ कर ही करेगी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। माँ मेरा रैकेट कहाँ है? मिल नहीं रहा। उषा रानी घर में ही है। अच्छा तुम्हें चलता हूँ। माँ जी वैसे तो उषा रानी देवी है, फिर भी ये सब कुछ कहिएगा नहीं। माँ रैकेट नहीं मिलता, कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं भूल आई? हो सकता है शेखर बाबू क्या रह गया हो। शेखर बाबू कौन है बेटी? वो हमारे पड़ोसी हैं माँ, राधा किशन जी है ना, उनके यहाँ नए किराएदार आए हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। बेटी अब तो सियानी हो गई है, जो कदम भी उठाना हो सोच समझ कर उठाना। उषा देवी नमस्ते। नमस्ते, आइए ना शेखर बाबू। माँ आप है शेखर बाबू। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। बैठिए ना जी। उषा देवी ये रैकेट घर में भूल आई थी, मैंने सोचा देता चलूं। लीजिए, और मैंने सारा घर छान मारा, बहुत अच्छा किया आप रैकेट ले आए। क्यों बेटा, बम्बई में नए आए हो, क्या काम करते हो? जी दफ्तर में काम करता हूँ। बम्बई में तो लोग अक्सर फिल्मों में काम करने आते हैं। नहीं माँ जी, फिल्मों को तो मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ। सरकारी नौकरी है, 750 रुपए तनख्वाह है, अपना गुजारा हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है, परमात्मा और ज्यादा दे। माँ जी आप नहा लीजिए, पानी रख दिया है मैंने। अच्छा बेटा मैं जरा स्नान कराऊं, तुम लोग बैठो।
बड़ी अच्छी हैं आपकी माता जी। ये रैकेट। थैंक यू। आप बैडमिंटन खेलना जानते हैं? जी नहीं। खेला कीजिए ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोई पार्टनर मिल जाए तो जरूर खेला करूंगा। तो कल से मेरे साथ चलिए। मुझे कोई एतराज नहीं। से सीख रहे हैं या मुझे सिखा रहे हैं? कुछ कुछ सीख रहा हूँ और कुछ कुछ सिखा रहा हूँ। अच्छा चलिए चलिए। दिल में हमारे कौन समाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, दिल में हमारे कौन समाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। तेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर झुक जाती है, मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर झुक जाती है। तेरी नजर से शर्मा कर कुछ कहने से रुक जाती है, हमसे ये कहना चाहती है क्या, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, दिल में हमारे कौन समाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। देख के हमको झूम रहे हैं देखो इन नजारों को, देख के हमको झूम रहे हैं देखो इन नजारों को। सामने जब हो सूरत तुम्हारी देखे कौन बहारों को, ऐसी रुत का क्या है इशारा, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, दिल में हमारे कौन समाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, दिल में हमारे कौन समाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। पूछा, अब तो सोते जागते उठते बैठते मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। लेकिन मैं तो तुम्हारी हूँ ही। हाँ हो तो, लेकिन कहाँ हो? उषा, तुम्हारे प्रेम ने मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा कर दिया। और क्या क्या कर दिया बताऊँ? मेरे प्यार ने तुम्हारे जीवन के बगिया में फूल खिला दिए, बेलों को हरा भरा कर दिया, ठंडी ठंडी हवाएं चला दी, मोर नाचने लगे। तुम तो मजाक कर रही हो। सच कहता हूँ उषा, मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मोहब्बत हम दोनों को एक दूसरे के करीब तो ले आई है, मगर अभी तक दुनिया की नजरों में हम बहुत दूर हैं। और अब? अच्छा ये तो बताओ, माँ जी से पूछा था कि नहीं? कह रही थी कि बीए के इम्तिहान के बाद
सिर्फ 4 ही तो महीने हैं। 4 महीने? ये 4 महीने तो मेरे लिए 4 साल के बराबर है। मोहब्बत की दुनिया का सूरज जल्दी छिपता है और जल्दी उगता है। ये 4 महीने तो 4 दिन की तरह गुजर जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। तुम्हें कितनी बार मना किया तुम यहाँ मत आया करो, तुम मानती नहीं। लाओ झाड़ू, मैं खुद लगा लूंगा। तुम खुद झाड़ू लगाओगे? हाँ लाओ। कुछ काम नहीं करने देते। ए सुनो, क्या शादी के बाद भी तुम झाड़ू लगाओगे? शादी? किसकी शादी? जैसे जानते ही नहीं। भैया मेरी शादी तुमसे कर रहे हैं। मुझसे? यशोधरा जरा अपने भैया को तो भेज दो, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। शादी के बारे में? हाँ हाँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ हाँ हा, तुम भेज तो दो भैया को। कहिए शेखर बाबू, क्या हुक्म है? बैठिए। राधा किशन जी, आप जानते हैं मैं लड़का हूँ। वो तो दुनिया जानती है, मैंने लड़की कब कहा आपको। मगर आप सुनिए तो, और फिर मैं अकेला रहता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें दुकेला करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? यहाँ यशोधरा को क्यों भेजते हैं? इसलिए कि वो तुम्हारे स्वभाव को पहचान ले, तुम उसके स्वभाव को पहचान लो। वो तुम्हारी अकल को जान ले, तुम उसकी अकल को जान लो। मैं उसकी अकल को तो नहीं, लेकिन आपकी अकल को पहचान लो। हूँ ना अकलवंत? आप बिल्कुल बेवकूफ हैं। आप समझते हैं मैं आपकी बहन से शादी कर लूंगा? तो इसमें क्या बुराई है शेखर बाबू? यशोधरा होशियार है, समझदार है, सियानी है। हाँ जरा जरूरत से ज्यादा बोल लेती है, इसलिए लोग पागल कहते हैं। मैं उसे तो पागल नहीं कहता, मगर आप जरूर पागल हैं। उस बेचारी को झूठी आशा में डुबो रखा है, खामखा बेवकूफ बना रखा है। जाइए, जाकर अपनी बहन को अकल सिखाइए और उसके लायक किसी लड़के से शादी कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। ठीक है, अब यशोधरा को तो भगवान ही अकल सिखाएगा, पर अकल जरूर ठिकाने कर दूंगा। मकान मालिक का मुकाबला कर दो। यशोधरा, हाँ? अब शेखर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? कितना खिलाया पिलाया, आदमी एकदम बेईमान निकला। बात क्या हुई? बस शादी से एकदम इनकार कर गया। हाँ? मुझे तो पहले ही खटका था ये बात बनने वाली नहीं। भैया मेरी शादी शेखर बाबू से नहीं होगी। अरे तू गोली मार शेखर बाबू को। यहाँ क्या लड़कों का काल पड़ा है? अगर मैं तेरी 8 दिन में शादी ना कर दूं, तो मेरा नाम राधा किशन है। मैं तो शेखर बाबू से शादी करूंगी। शेखर बाबू से, शेखर बाबू से। अरे ढूंढने वाला चाहिए, यहाँ एक से एक अच्छा लड़का मिलता। ओ मत। ओहो, अरे मैं कह तो रहा हूँ ढूंढ लूंगा अच्छा लड़का। लड़का पसंद है ना तुम्हें? शशुंदरमल पीपरी प्रसाद की कोठी में काम करता है। तनख्वाह तो कम है, पर ऊपर की आमदनी काफी है। हाँ बाकी तो सब ठीक है, मगर 3 बच्चों का बाप है। तो क्या हुआ, कौन सी सौत बन के जा रही है? बीवी तो मर चुकी है ना इसकी। अब तो इस पगली को भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। चलो आप। नमस्ते। लड़की की भाभी है। राधे किशन जी, कन्या को ले आइए, लड़का जरा देख ले और फिर झट से मंगनी कर दे। हाँ हाँ अभी लाता हूँ, तब तक आप चाय वगैरह पीजिए। चाय पीजिए। यशोधरा पागल हुई है क्या? लड़का देखने आया और तू रो रही है? उठ चल मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी। दिमाग खराब हुआ है? शादी नहीं करेगी? कह तो दिया मैं 3 बच्चों के बाद से शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? बड़े मुश्किल से लड़का तलाश किया, चल सब इंतजार कर रहे हैं। उठ। मैं नहीं आऊंगी। पागल हुई है क्या? चलना पड़ेगा। क्यों चलूं? मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कह दिया मैंने। अरे बाबा मैं उसे जबान दे आया हूँ। तो आप दे आए तो मैं क्या करूँ? 3 बच्चों के बाद से मेरी शादी कर रहे हैं और कोई नहीं मिला सारी दुनिया में मुझे उसी के पल्ले बांध दिया। चुप चुप करता जाते हैं।
सच हो रहे? मुझे तो यशोधरा की आवाज मालूम होती है, क्या बात है? अरे लड़का बैठा है, सुन देगा। बैठ जाए, श्यामलाल जी को नमस्ते कर। नहीं करूंगी। बैठ जाओ यशोधरा। क्यों बैठूं? क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? देखो ना, मेरे तीन बच्चों के बाप से शादी कर रहे। नहीं करूंगी मैं इससे शादी। कैसे नहीं करेगी? नहीं करूंगी। जो मुंह में आता है बक देती है। क्यों ना बोलूं? राधा किशन जी जरा ठहरिए, क्या सचमुच आपकी पहली शादी से तीन बच्चे हैं? जी हाँ, लेकिन सयाने हो चुके हैं, उनको संभालने में लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ नहीं होगी? क्या आप ऐसे लड़के से शादी करेंगे जिसके पहली शादी से तीन बच्चे हो? कैसी बात करती हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी? तो इसे भी क्या जरूरत पड़ी आपसे शादी करने की? इसका मतलब ये है किसी कुंवारी लड़की को बच्चे वाले आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ हाँ, तो इसमें क्या बुराई है, उषा देवी ऐसा होता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है, इसलिए कि औरत कमजोर है, मर्दों के अधीन है। राधा किशन जी, औरतों के भी दिल होता है, उम्मीदें होती हैं, उमंगें होती हैं। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ हो जिसके पहले बीवी से बच्चे हैं। यशोधरा भी उस दर्द को महसूस करती है। उषा देवी, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतनी बात किस लिए कर रही हैं? इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों के सुख दुख का अच्छी तरह समझती हूँ। बस बस जी, बहुत हो चुका, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम ही आए थे चल के मेरे पास। चलिए पंडित जी। आपको क्या जरूरत थी मेरे मामले में टांग अड़ाने की, या कि अपना घर संभालिए। शांत हो जाइए राधा किशन जी। अरे अब तो सब कुछ शांत हो गया, अब इसके लिए क्या मोम का दूल्हा लाऊं? मैंने जो किया वो ठीक ही किया। हाँ, आपने जो किया सब ठीक ही किया। चलो धन्यवाद, रो और रो, तेरी किस्मत नहीं होगा। आप चुप भी रहोगे या नहीं? जो होना था सो हो चुका। मेरी दक्षिणा का क्या होगा राधे किशन जी? दक्षिणा काम बिगड़ जाने की। लो, कुछ बुरा तो नहीं कहा मैंने? हाँ? नहीं, लेकिन दूसरे के मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? और फिर ये तो अपनी मर्जी का सवाल है। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से ऐसी शादी नहीं करेगी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका होने वाला पति कुंवारा हो। क्या आप मेरे ख्यालों से सहमत नहीं? क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। अच्छा अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी एक बच्ची है तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी, और अगर न कहूँ तो विश्वासघात है, धोखा है। भाई अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो फिर इस राज को छुपाना ही पड़ेगा। शादी के बाद पता चल गया तो फिर क्या होगा? होगा क्या, दो चार दिन गाल फुलाए रहेगी फिर खामोश हो जाएगी। वो खामोश होने वाली लड़की नहीं भूषण। अरे औरत का गुस्सा दूध की उबाल की तरह होता है, उठा और दब गया। मुझे उसके गुस्से का डर नहीं, डर है कहीं उसके जीवन की सारी खुशियाँ खत्म हो जाए, उसकी आंखों में हमेशा के लिए आंसू न बस जाए। अरे औरत की एक आंख में आंसू होते हैं, एक में हंसी। तू फिकर न कर, शादी कर ले फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, सांप के मुंह में छिपकली वाली हालत है मेरी, न छोड़ते बनता है न निगलते बनता है। अरे राम का नाम लेके निगल जा। क्या निगलवा रहे हो, क्या बात है? कुनीन की गोली, ऊपर से एक प्याली चाय पी लेना। क्यों, तबीयत तो ठीक है? अरे कुछ नहीं, मौसमी बुखार हो गया है, खामखा घबरा रहा है, मैंने कहा कुनीन की गोली निगल ले। हाँ हाँ, मौसमी बुखार के लिए कुनीन बहुत अच्छी है, मैं लाती हूँ। लो खा लो। हाँ नहीं भाभी, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। रहने क्यों दो, खा लो ना, बुखार उतर जाएगा। हाँ हाँ, ले निगल जा, निगल जा, मौका है ये भी, निगल जा। श्रीमान जी, सर खुशी हुई, मैं शर्मिंदा हूँ कि बहुत दिन से आपको खत नहीं। चार साल तक घर न आने का मुझे अफसोस है। मैं शशि का बाप हूँ, फिर उसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे उसकी हमेशा याद आती रहती है। शायद आपको ये पढ़कर बुरा लगेगा कि मैं बगैर आपसे सलाह मशवरा लिए शादी कर रहा हूँ। जल्दी ही घर आऊँगा, शशि को प्यार। आपका कौन है? मिठाई वाली। नहीं चाहिए मिठाई। साहब, मिठाई कौन सी है? अरे नहीं चाहिए मिठाई। घोड़े से तो लीजिए साहब। ओहो, कह दिया ना मुझे मिठाई। अरे तुम क्यों, मुफ्त में मिठाई मिल रही थी और इनकार कर रहे थे। क्या चल रहा है?
किसी को प्रेम पत्र लिखा जा रहा है? नहीं नहीं, वैसे मेरे एक दोस्त। पढ़ लो। लेकिन श्रीमान जी, आपका खत मिला पढ़कर खुशी हुई। मैं शर्मिंदा हूँ कि बहुत दिन से आपको खत ना लिख सका। चार साल तक घर ना आने का मुझे अफसोस है। मैंने सोचा किसी श्रीमती जी को खत लिख रहे थे। अच्छा, दिल्ली से सोहन हलवा आया था, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने सोचा कॉलेज जाते जाते देती जाऊँ। बैठो ना। नहीं, देर हो जाएगी। हाँ, जाते। अच्छा। नानी, खत आया है। लाला, शेखर का होगा। लो, पढ़ो तो क्या लिखा है। अजी, और क्या लिखा होगा, बस यही, अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, जल्दी गांव आऊंगा, शशि को प्यार, वगैरह वगैरह। चार साल हो गए ऐसे खत आते आते। मेरा भी पिताजी को प्यार लिख देना। अच्छा, कुछ मुंह से तो बोलो, मैं भी तो सुन क्या लिखा है। शादी, यही वजह थी चार साल तक यहाँ ना आने की, किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था, शादी कर रहा है। अच्छा, नाना मेरी कब शादी करोगे? पहले बाप की हो जाने दो बेटी। तो हम क्या मना करते थे शादी करने को, भला इसमें छुपाने की कौन सी बात थी। मेरे जान एक नहीं दो शादियां करे, अपनी बच्ची को ले जाए। लिखा था कि यहाँ लड़की के पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, तो अभी तक जवाब नहीं दिया। यही तो मेरा रोना है। कोई परवाह नहीं, मैं फिर चिट्ठी लिखता हूँ। भला ये भी कोई बात है, बच्ची की परवाह नहीं और शादी, शादी। कहाँ हो? जल्दी जाओ और साथ के लिए चाय बना के ला। जी, जल्दी। अरे ये सब क्या है? ये रेशमी साड़ी, ये टाई और ये जूते, क्या किसी की बारात आने वाली है? किसी की बारात आने वाली है? कब से कह रही हूँ बाजार चलिए बाजार चलिए, आप आते ही नहीं। मैं खुद गई और खरीद कर लाई हूँ। ये लीजिए बिल, 500 रुपए का। बहुत अच्छा किया। क्या कहा, कितने का बिल? 500 रुपए का। घबरा क्यों गए, तनख्वाह नहीं मिलती? अरे तनख्वाह मिले भी तो क्या फायदा, तुम जैसी बीवी किसी को मिल जाए तो उसका तो सूपड़ा साफ हो जाए। ओ माय गॉड, व्हाट अबाउट माय 500 चिप्स? पर भी क्या बात हुई, काफी कमाते हो। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। अच्छा, कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है। कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है। क्या लुटा देती है घर को मर्द, औरत घर बनाती है। लुटा देती है घर को मर्द, औरत घर बनाती है। हाँ, तेरी इन साड़ियों ने जंपरों ने मार डाला है। तेरी इन साड़ियों ने, अरे जंपरों ने मार डाला है। तेरी दिवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है। मैं कड़का हूँ, मैं कड़का हूँ, मैं कड़का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। मैं कड़का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है।
बसें भी शहर में चलती हैं। आ तो चलने तो क्या हुआ। बसें भी शहर में चलती हैं, क्यों टैक्सी में जाते हो, सिनेमा देखते हो, होटलों के बिल चुकाते हो, कमाई आधी बाहर और आधी घर में आती है, कमाई आधी बाहर और आधी घर में आती है, लुटा देते हैं घर को मन, औरत घर बनाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, उबल जाता हो चाहे दूध चाहे रोटी जलती हो, पहन कर रेशमी सा, अरे मोरी सा हमोरी हमोरी सा, नखरबाली नखरबाली सुन ले मोरी सा, सारे गामा पाधानी सा, सानी धापा मागारे सा, इडी साड़ी, तू है निपट अनारी पहने लेछमी छाली, पहन कर रेशमी साड़ी, तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे मैं बातें जब सुनाता हूँ मुझे आंखें दिखाती है, मैं बातें जब सुनाता हूँ मुझे आंखें दिखाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, दाता उड़ा देते हैं पैसा, बाद में फिर हाथ मलते हैं, क्यों बीजू ना जाके कह जे हाथ मलो, शो दबा के मुंह में सिगरेट, आप ऐसे ऐसे चलते हैं, है? मुसीबत सर पे जब आती है बीवी काम आती है, मुसीबत सर पे जब आती है बीवी काम आती है, लुटा देते हैं घर को मर्द, औरत घर बनाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, भांडुना का भांडुना का भांडुना का भांडुना का नहीं दाम नहीं दाम नहीं दाम नहीं दाम, भांडुना का भांडुना का नहीं दाम नहीं दाम, भांडुना का नहीं दाम भांडुना का नहीं दाम, मेरे पास दाम नहीं है मेरे पास दाम नहीं है मेरे पास दाम नहीं, ओ अच्छा ये बात है, अच्छा चलो माफ कर दिया, तुम समझती हो मैं बहुत कंजूस हूँ, और नहीं तो क्या, अरे अगर मेरा बस चले तो दुनिया भर की सारी दौलत तुम पर कुर्बान कर दूं, मगर क्या करूं फुर्सत ही नहीं मिलती, जाओ जाओ बड़े मजाकिया बनते हो, यही तो मेरा असली रूप है, लेकिन शादी से पहले तो बहुत गंभीर रहते थे, बड़े बगला भगत हो, अगर बगला भगत न होता तो तुम पकड़ाई में कैसे आती, तुम पकड़ाई में कैसे आती, लो बिटिया अब ये खत इस बक्से में डाल दो, क्यों इसमें डाल देने से ये तुम्हारे पिताजी को पहुंच जाएगा, मुझे भी इसमें डाल दो ना मैं भी पिताजी के पास पहुंच जाऊंगी। पगली इसमें सिर्फ खत डाला करते हैं, जब ये तुम्हारे पिताजी को मिलेगा तो वो तुम्हें लेने आएंगे, अब तुम्हारी नई माँ आ गई है ना, हा? डाल दो खत, पोस्टमैन प्यारे शेखर तुम्हारी शादी हो गई, ये पढ़कर हम दोनों को बहुत खुशी हुई, हम कुंभ के मेले पर जाने का विचार कर रहे हैं, इसलिए आकर अपनी बेटी शशि को ले जाओ, अब उसे उसकी नई माँ संभाले, हमारी यही इच्छा है, बाकी शशि राजी खुशी है।
क्यों, कैसा है, आया पसंद? ये सच्चा है या झूठा? झूठा? मैं पूछती हूँ, ये सोने का है ना? नहीं, पीतल का है। इसे पहनकर तो देखो, सोने का है, असली सोने का। सच बोल रहे? अरे, इसमें झूठ बोली की कौन सी बात है? जबान कटवा दूंगा अगर कभी तुमसे झूठ बोला हो। वो खत पढ़ो। खत? तुम्हारी शादी हो गई है पर हम दोनों को बहुत खुशी हुई। हम कुंभ के मेले पर जाने का विचार कर रहे हैं, इसलिए आकर अपनी बेटी शशि को ले जाओ। ये सब झूठ है ना? उषा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहली औरत मर चुकी है और तुम्हारे एक बच्ची भी है? उषा, मैं शादी से पहले ही कहना चाहता था, मगर तुम्हारे प्यार ने मुझे खामोश कर दिया। उषा, मेरे प्यार ने नहीं, तुम्हारे स्वार्थ ने। तुमने मेरे अरमानों का खून किया है। लो, संभालो अपने घर को। उषा, मैं जाती हूँ। उषा, मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ। तुम कहोगी तो मैं शशि को नहीं लाऊंगा। छोड़ो, पहले मुझ पर जुल्म किया और अब उस बच्ची पर जुल्म करना चाहती हो? इसलिए कि तुम यही चाहती हो। तुम्हारे सीने में सौतेलेपन की आग जल रही है। मुझे उम्मीद न थी कि तुम मेरी बच्ची से इतनी नफरत करोगी। मुझे तुम्हारी बच्ची से नफरत नहीं, तुमसे नफरत है। कोई भी सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे से नफरत नहीं करती, सिर्फ बच्चे का बहाना लेकर अपने अरमानों को लूटने वाले पति से बदला लेती है। अपने सीने में जलती हुई आग से पति को जलाती है। दोषी सौतन नहीं, मर्द है, तुम हो। बस बस, रहने दो। मेरे बच्चे है तो क्या हुआ? क्या तकलीफ दी उसने तुम्हें? कौन से तीर मार दिए उसने तुम्हारे? उसने नहीं, तुमने। और वो तीर जिसका जख्म कभी नहीं भर सकता। अगर तुम मेरी जगह होती तो महसूस करते। मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती हूँ। रहना हो रहो, जाना हो चली जाओ। नमस्ते उषा देवी, कराया यशोधरा की शादी। लड़का बड़ा अच्छा है, तहसीलदार का हेड चपरासी है, 70 रुपए मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का कमारा है। हाँ हाँ, वो तो मैंने ढूंढा ही, क्वारों का खानदान है। बड़ी खुशकिस्मत है यशोधरा। मजदूर चाहिए? हाँ हाँ, ये सामान उठाकर अंदर ले आओ। बहुत अच्छा। काहे को, पहले ही तुमने टैक्सी करके मेरे हफ्ता भर के वर्क का इंतजाम कर दिया। तो उठा। हाँ उठा लूंगा, माफ करो भाई। हाँ भाई। उषा, तू आ गई बेटी। मैं अभी माला को भेजने वाली थी। कुंभ का मेला देखने चलेगी मेरे साथ? हाँ माँ, चलूंगी। तू इतनी उदास क्यों है बेटी, क्या बात है? माँ, आखिर कुछ मुसीबत बोलेगी या नहीं, क्या हुआ? उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है माँ। उनकी पहली औरत से एक बच्चा है। पहली औरत से? क्या मतलब? शेखर की पहले भी शादी हो चुकी है क्या? कहाँ है उसकी पहली औरत? वो मर चुकी है, उन्होंने आज तक ये बात मुझसे छिपाए रखी। मैं तो पहले ही कहा करती थी बेटी, जो कदम उठाना हो सोच समझ कर, अपना भला बुरा देख कर ही उठाना। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। पगली कहीं की, अब तो वही तेरा घर है, वही तेरा पति। चल उठ, इलाहाबाद चलने की तैयारी कर, वापस आने पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें ठंडे दिमाग से सोचने की हुआ करती हैं। चलो उठो, चलो। इतना छोटा दिल नहीं करते, चलो उठो। चलो मंदिर होते चले। हाँ ठीक है।
अरे अब बाहर तो निकलो। अरे शशि कहाँ गई? शशि अभी तो यहाँ थी। हाँ हाँ शशि कहाँ चली गई? कहाँ चली गई भीड़ में? शशि शशि दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना। हे दो दिन के जग के मेले में आज रहे कल जाना कल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना। ए बाबूजी 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 बाबू टोपी वाला ओ भैया पगड़ी वाला ले लो ये मेरी कंठी माला रे ले लो ये मेरी कंठी माला ले लो ये मेरी कंठी माला रे ले लो ये मेरी कंठी माला। मेरी माला में छिप जाए सब गड़बड़ घोटाला शेर साहब को मिले सेठानी और लल्ली को लाला ओ बाबू टोपी वाला ओ भैया पगड़ी वाला। वही सुखी है जिसने प्यारे तेरा मन का दाना तेरा मन का दाना। माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना। मेरा पान बनारस वाला हल्का कत्था चूना ए जी हल्का कत्था चूना जिसने खाली एक गिलोरी छैला बन गया दूना ए जी छैला बन गया दूना। सौंफ सुपारी खुशबू ठंडक काला पीला चूना मोबा मांडवा मगई बनारस बंगला देसी पूना लोगे कौन नमूना बाबू लोगे कौन नमूना होए लोगे कौन नमूना बाबू लोगे कौन नमूना। भांति भांति के लोग लगाते तेरा नया पुराना तेरा नया पुराना। माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना। ए चले आओ चले आओ चले आओ टके वाले चले आओ रुके वाले चले आओ पैसे वाले चले आओ मेरी प्यारी दुकान सबसे न्यारी दुकान मेरी प्यारी दुकान सबसे न्यारी दुकान। देखो देखो नाच रहा है ये अलबेला बंदर जाने किसी का जीव समाया कठपुतली के अंदर नाचे राजा वही नाचे रानी वही नाचे मस्त कलंदर। नच
नचा रहा है नचाने वाला, सबको नाच लुभाना, सबको नाच लुभाना। माटी में मिल जाना रे भाई, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना रे भाई, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना रे भाई। शशि है। उम्र करीब 5 साल की। रंग रंग गोरा गोरा है मेरी बच्ची का, सलवार और कमीज पहने है और ऊपर से स्वेटर। और कोई खास निशानी? जी हाँ, गले में सोने का लॉकेट है। रिपोर्ट तो मैंने लिख ली है, वैसे आप गुमशुदा बच्चों के कैंप में देख लीजिए। अच्छा, आपको लास्ट चिल्ड्रन कैंप में ले जाओ। आइए मेरे साथ। पुलिस स्टेशन? यस, जरा 5 नंबर फाइल दो। इनमें तो नहीं है। मेरे बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? शशि। और तुम्हारे पिताजी का? मुझे नहीं मालूम, वो बम्बई में है। तो फिर तुम किसके साथ आई हो? नाना नानी के साथ, मैं नानी के पास जाऊंगी। बेटी, पुलिस में इत्तला दे देनी चाहिए, बेचारे ढूंढ रहे होंगे। देखा माँ, कितने लापरवाह हैं ये लोग, बच्ची के गले में सोने का लॉकेट डाल दिया। माँ, ये तो उनकी बच्ची है। अरे, शेखर की बच्ची है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली बच्ची है। तो शेखर की बच्ची है। नानी के पास जाऊंगी। नानी के पास जाएगी? मैं तुझे नानी के पास ले जाऊंगी, मेरी बच्ची। हम तो पहले ही शशि को साथ ले जाने से डरते थे। कितनी राह देखी तुम्हारी, जब तुम ना आए तो हमने सोचा इस बिचारी को अकेली कहां छोड़ जाए। क्या करें बेटा, सारा मेला छान मार, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। न मालूम किसके हाथ लगी, कहां गई, भूखी होगी या प्यासी, भगवान जाने। शशि, जिद नहीं क्या करते बेटी, लो थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं नानी के हाथ से खाऊंगी। मेरे हाथ से नहीं खाएगी? नहीं। फिर मैं तेरी माँ भी नहीं बनूंगी। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती।
मुझसे नाराज हो गई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा बाबा, मैं तुमसे बात करूंगी। लो अब थोड़ा खाना खा लो, फिर नानी को बुलाऊंगी। हाँ, नाना को भी? हाँ हाँ, नाना को भी, नानी को भी, दोनों को बुलाऊंगी। हाँ, खाना खा लो अब। सुनो बेटा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोना अच्छा होता है। चलो अब सो जा। तुम गाना गाओ, मैं सोती हूँ। अच्छा बाबा, मैं गाना गाती हूँ। हाँ चलो सो जा। अब क्या हो गया? ये नहीं गाना। फिर कौन सा? जो नानी गाती है वो गाना। मुझे नहीं आता वो गाना। आता ही क्या है तुम्हें? अच्छा कौन सा गाना गाती थी नानी? बताऊं? पहले आप सो, फिर बताऊंगी। अच्छा लो मैं सो जाती हूँ। सो जा मेरी नन्ही मुन्नी, सो जा री, सो जा री, सो जा मेरी नन्ही मुन्नी, सो री, सो जा री, सो जा, सो जा। अच्छा बाबा, अब मेरी नींद पूरी हो गई, अब तुम सो जा। बहन जी, नीचे शेखर बाबू आए हैं आपसे मिलने। देखो तुम जरा शशि के पास बैठना और थोड़ी देर के बाद चाय ले आना। उषा, जिस बच्चे की वजह से मुझ में और तुम में झगड़ा हुआ, वह बच्चा कुंभ के मेले में खो गया। भगवान जाने जिंदा है या मर गया, मेरे अब कोई बच्चा नहीं। मुनासिब समझो तो घर वापस चलो। मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। इंसान ही से गलती हुआ करती है और इंसान ही माफ करता है। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। तुम ठीक ही झगड़ रही थी उषा, तुमने कोई गलती नहीं की। मैंने भी गलती की है। वचन दीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैं वचन देता हूँ। मैंने दुनिया से आपसे एक राज को छिपाए रखा, लेकिन अब इस राज का छिपाना नामुमकिन हो गया है। कैसा राज? मेरे भी एक बच्चा है। तुम्हारे बच्चा है? हाँ, मेरी पहली शादी से एक बच्चा है। तो तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ, वो मेरे गले में बच्चा डालकर चलते बने। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए कि फिर आप मुझसे शादी नहीं करते। तो फिर किस बिना पर तुम मुझसे झगड़ रही थी? क्या अधिकार था तुम्हें ये कहने का कि कुंवारी लड़की को बच्चे वाले आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए? इंसान ही से गलती हुआ करती है। मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ। आप अभी अभी कह रहे थे कि इंसान ही गलती करता है और इंसान ही माफ करता है। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया मैंने। माँ को आ जाने दीजिए, मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। आई बेटी, तब तक आप चाय पी लीजिए, मैं तैयारी करती हूँ। माँ तू कहाँ गई थी? तेरे पिताजी आए हैं ना, चलो अब हम घर जाएंगे। पिताजी अब तेरे लिए मिठाई लाएंगे, खिलौने लाएंगे। चलो चलो कपड़े बदल लो। माँ मेरे पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल तेरे जैसे। तेरे जैसा मुंह, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। चलो चलो जल्दी कपड़े बदल लो। बहन जी, शेखर बाबू चले गए, चाय भी नहीं पी। चले गए? मुझे घर मालूम है।
उषा ये क्या कर रही है? माँ वो मुझे लेने आए थे, मैं जा रही हूँ। क्या कहा? शेखर आया था? ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी पुरानी बातों को भूलकर इस मासूम बच्ची को सीने से लगा और अपनी गृहस्थी को संभाल। जो कुछ होना था सो हो गया। तू अपने पिताजी के पास जाएगी? हाँ, मैं और माँ दोनों जाएगी। अपने पिताजी को नमस्ते कैसे करेगी? शाबाश। कैसे करेगी? ये देख, ये है तेरे पिताजी। नमस्ते कर बेटा। नमस्ते पिताजी। ऐसी क्या जल्दी थी, अकेले ही चले आए। शायद मेरे साथ आने में शर्म लगती होगी ना। देखिए अगर लोग पूछेंगे तो मैं इसे आपकी पहली बीवी की बच्ची कहूंगी। शायद उसका नाम शशि था ना, मैं इसे भी शशि कहकर पुकारा करूंगी। देख आज से तेरा नाम शशि है। क्या है तेरा नाम बेटा? शशि। मेरी प्यारी बेटी शशि। तुम चाय भी नहीं पीकर आए? लो तुम शशि को संभालो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। पिताजी क्या देख रही है? मेरी नाक। हैं? मेरी नाक? माँ कहती थी तुम्हारी नाक मेरी जैसी है, तुम्हारी नाक तो बहुत बड़ी है। मेरी नाक तो कट गई। कहाँ कट गई, ये तो है। भाग यहाँ से। तू जाती है कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगी, तुम्हारे गोद में बैठूंगी। अरे अरे जाकर अपनी माँ के सर पर बैठ। क्या बात कर रही हो, सर पे कोई बैठता है? ओ तो तू बैठी, मैं चला। बाहर जा रहे हो, चाय पीकर जाना, अभी तैयार हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए। और खाना? अभी नहीं। भूख लगेगी तो रोएगी मांगेगी। क्या भी बच्चा, तूने छुपाया उसने भी छुपाया। शेखर मेरी राय तो ये है कि अब इस गड़बड़ घोटाले को छुपा ही रहने। नहीं भूषण, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। क्या नहीं सहा जाएगा? माँ शेखर बाबू मान गया, मान गया आपको। मुझे तो उषा देवी ने कल ही बताया कि शशि आपकी बच्ची है। खूब मिर्चे झोंकी उषा देवी की आंखों में, बड़ा चालाक समझती थी अपने आप को। शेखर बाबू आपका भी जवाब नहीं, 4 साल की बच्ची को अंडरग्राउंड कर दी। राधा किशन जी बड़े अफसोस की बात है, आप मजाक उड़ा रहे हैं और इस बेचारे घर में लड़ाई मची हुई। भूषण जी अब इनके घर में तो लड़ाई मचने की वजह है, पर मेरे घर में तो बगैर वजह ही लड़ाई मच गई। यशोधरा की भाभी ने रात भर सोने नहीं दिया। अब शादी के 10 साल बाद मुझसे पूछती है कि तुम्हारे तो कोई बच्चा नहीं शादी से पहले का। और कुछ कहना है? बस और क्या कहना है, भगवान उम्र लगाए आपकी बच्ची को, बड़ी प्यारी बच्ची है। और कुछ? अभी तो फेरी पर जा रहा हूँ, फिर घर आकर इत्मीनान से बातें करूंगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ये बड़ी अकलमंदी की उषा ने उस बच्ची को तेरी बच्ची कह दिया। अब मेरा कहा मान, तू भी आज से उसे अपनी बच्ची कहा कर, समझा? अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ बंदूक चलाती हूँ, तुम मर जाओ। हाय क्या करती है? अरे तुम खड़े हो, मरे नहीं। तू मर अंदर जाकर, मारूंगी बंदूक। मार पिताजी, मार पिताजी, मार।
कहीं चोट तो नहीं आए? उठो ना, ये क्या हो गया शशि? बच्ची राम, जरा जल्दी चपाती लाओ। कुछ चाहिए इसका ख्याल है? पेट से बांध दो इसके, एक नवेला और। उस दिन कहते थे मेरे सीने में सौतेलेपन की आग जल रही है, अब शायद तुम्हारे सीने में बारिश हो रही है सौतेलेपन की। लो, मैं इसका झूठा खाऊं? धर्म थोड़ी ही बिगड़ जाता है इसका झूठा खाने से। आइए और परोसे देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, खिलाओ इसे। मैं इसे खिला ही रही हूँ, आप भी आइए और शांति से खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। आपकी इच्छा, खाइए न खाइए, मैं इसे तो घर से नहीं निकाल सकती। माँ, आई बेटे, जरा ये चादर बिछा लेना। इसे अपने पास बिठा लीजिए, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। यहाँ बैठना है पिताजी के पास। पिताजी, खबरदार जो मुझे पिताजी कहा दो। कहूंगी पिताजी, पिताजी, पिताजी। चुप, चुप। पिताजी, बाज नहीं आएगी तू? पिताजी। बड़ी शैतान है तू है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं बाप बेटी। आज तो शशि को अपने पास ही सुला लो। यह नहीं, तुम ही अपने सीने से लगा कर रखो इसे। मैं तो इसे सीने से लगा कर रखूंगी ही, मगर तुम्हारे कौन से कांटे चुभो देती है या तीर मार देती है। चलो शशि, तुम मेरे साथ चलो। मुझ पे ऐतबार कर, जिंदगी हसीन है ये, जिंदगी हसीन है, किसे प्यार कर, मैं हूँ तेरी जिंदगी, मुझ पे ऐतबार कर, मुझ पे ऐतबार कर। ऐतबार कर, जिंदगी हसीन है ये।
एतबार कर मुझ पे एतबार कर। जिंदगी हसीन है ये जिंदगी हसीन है जिंदगी से प्यार कर। मैं हूँ तेरी जिंदगी मुझ पे एतबार कर मुझ पे एतबार कर। जिंदगी हसीन है ये जिंदगी। जरा इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? हाँ, आज मैं इसे स्कूल भेज रही हूँ, बाप के दस्तखत चाहिए। मैं इसका बाप नहीं। तो और कौन है? वही कमीना जिसकी ये औलाद है। तुम्हारी औलाद है? तुम ही इसके बाप हो। उषा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये यहाँ नहीं रहेगी, ले जाओ इसे यहाँ से। ये भी यहीं रहेगी और मैं भी यहीं रहूंगी। शादी की है आपने मुझसे? शादी नहीं, बेवकूफी की है, अपने सुख की बर्बादी की है। इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा इसके साथ। हम दोनों यहीं रहेंगे। मैं इसका गला घोट दूंगा, ले जाओ इसे मेरे घर से। ये मेरा भी घर है, मेरा भी अधिकार है इस घर पे। अधिकार? तुम जैसी नीच औरत का, कुल्टा का। खबरदार जो कुल्टा कहा मुझे। कुल्टा नहीं तो और क्या, दूसरे का पाप मेरे घर में छुपाना चाहती हो? तुम भी अपना पाप मेरे सर पे थोपना चाहते थे, अपनी पहले औरत के बच्चे मेरे गले डालना चाहते थे। अगर मैं कुल्टा हूँ तो तुम। छोड़े जाती हो तू? यहाँ क्या कर रही? मारूंगा। चुप, निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से, निकल, चुप, निकल यहाँ से, जा, निकल यहाँ से, जा अपनी माँ के साथ। तुमने क्या किया? बड़ा जुल्म किया तुमने उषा मुझ पर। तुमने मेरा इतना शक्तिमान क्यों लिया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उसे घर छोड़कर आई थी। तुम उसे छोड़ाई थी, लेकिन मैंने उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे दिमाग पर भूत जो सवार हो गया था। यहाँ नहीं आई क्या? नहीं तो? तो फिर कहाँ गई? तुम इधर जाओ, मैं उधर देखता हूँ। नहीं मिली? नहीं, वो उधर तो नहीं है, कहाँ चली गई? वो रही, शशि, 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 शशि। अरे वो किसकी लड़की भागी जा रही है? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये किसका बच्चा? आगे आगे बच्चा, अरे वहाँ बच्चा।
ये कब का बच्चा? मालूम है? अरे किसका है ये बच्चा? शशि बाबूजी, बच्ची तो यहाँ है। कहाँ? ये रही। ये ले जी, मेरी बेटी, शशि, 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 चलो अपनी माँ के पास। उषा, 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 शशि जिंदा, उषा, शशि जिंदा, उषा। माँ, शशि जिंदा। माँ, शशि, माँ, मेरी बेटी। भाई मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान। मुझे माफ कर दो उषा, मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। तुमने कोई नई बात नहीं की। बहुत से लोग मारते हैं औरतों को, मगर अफसोस इस बात का है कि औरत का बेहया दिल फिर भी खामोश रहता है, सब कुछ भूल जाता है। मैं शर्मिंदा हूँ उषा, मगर तुमने जो थप्पड़ मुझे मारा है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे विचारों की कदर करता हूँ, मुझे माफ कर दो उषा। Thank you.